एक बात और नोटिस की मैंने, पोटेंशियल की बात। लोग ना अपना पोटेंशियल समझ नहीं पाते, उन लोगों को लगता है जिन्होंने क्वालिफाई किया है ना वो अलग ब्रीड के हैं। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है यार। आई थिंक इतना आई कंप्लीटली कंप्लाई विद यू ऑन दिस वेरी थिंग. यू नो व्हेन वी डिस्कस, जितने भी लोग SSB जाते हैं या फिर रिकमेंड होने के बाद मेडिकल्स के लिए जा रहे होते हैं, सो वी एक्चुअली फील यार कुछ अलग नहीं था हम में उनसे. द हाँ ओनली थिंग बिल्कुल वाज कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी. द सही थिंग दैट बात, वाज लैकिंग इज गाइडेंस. बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। जिनको आपने भी देखा वो है 5 टाइम्स रिकमेंडेड वैशाली डागर। वैशाली डागर ने अपना 5 टाइम्स का जो एक्सपीरियंस है ना बहुत सही यूज किया है। आप इनके एक्सपीरियंस की रेटिंग देखना चाहें तो प्ले स्टोर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको 4.4 रेटिंग दी गई है स्टूडेंट्स के द्वारा जिनकी उन्होंने मदद की है। और खाली यही बात नहीं, अगर आप देखें इनके एक्सपीरियंस की मदद से 40+ बच्चे रिकमेंडेशन ले चुके हैं लास्ट 6 मंथ में, और पता नहीं कितने बच्चों ने तो रिटर्न क्वालिफाई कर दिया। ये उनके टेलीग्राम ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं लगातार बच्चे अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस कि मैं भी हो गया, मैं भी हो गया, मैं भी हो गया, मैं भी हो गया। अब वैशाली हमारे चैनल पे आ रही है AFCAT 2021 की प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पर आपको सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। यहाँ पर जो AFCAT का एग्जाम होता है वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू CDS। इनफैक्ट उसमें सिर्फ एक ही पेपर आता है, और उस पेपर में भी दो सेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, मैं नहीं बताता हूँ कौन से हैं, बट उन सेक्शन में लोग 100% मार्क्स नहीं आते हैं। और वैशाली डागर मैंने आपको जैसे बताया 5 टाइम्स रिकमेंडेड है, शी हैज द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। सेकंड, एक बात और बताता हूं मैं आपको, जब आप AFCAT की तैयारी करते हैं तो आप लोग बहुत ज्यादा डिलाइमा में रहते हैं कि यार इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जस्ट अभी तैयारी की बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। और फॉर्म निकलने की वजह से आपके दिमाग का जो करंट है ना वो जग गया है कि अब मैं करता हूं, ठीक है। और इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मुझसे लास्ट एक वीडियो में एक लड़की ने सवाल पूछा था, सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, बट जब मैं रियल में देती हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। यार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि AFCAT में ना कुछ लोग टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, ठीक है, बट यू टेक केयर ऑफ इट। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लिया होता है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट जब AFCAT दिया तब नहीं निकला। उसके बाद कई सवाल आते हैं यार लोगों के पास, कई लोग मुझसे कहते हैं सर मेरा पढ़ाई में सेटिंग में नहीं बन लगता, मेरी सेटिंग कैसे बढ़ी जाए। मैंने वो सवाल लिया है, तो मेरे से एक बात रिलेट करेगी, जब हम पढ़ना शुरुआत करते हैं ना, मतलब बहुत टाइम हो गया यार पढ़ाई नहीं है, लाइक ग्रेजुएशन खत्म हुई तो छोड़ना भी बाद में देखेंगे, ठीक है, बट अब एग्जाम आ रहा है कॉम्पिटेटिव, अपने अपना गोल है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया मूवीज में लगा दिया होता है। इनिशियली अपना दिमाग ना एकदम से नहीं लगता, उसमें भी ग्रेजुअल सिटिंग सेटिंग आवर्स पड़, बढ़ाने पड़ता है, सिटिंग हाँ आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, बट सिटिंग आवर्स उसके लिए धीरे धीरे ना बढ़ाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली दिस थिंग हैपेंस. ठीक है, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है, सवाल पूछा करो। जब आप लोग सवाल नहीं पूछते ना तो मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाता अगली बार चैनल पे आने के लिए, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। जितने ज्यादा आप सवाल पूछोगे उतना अच्छा है, मैं लेता हूं, हो सकता है अगली वीडियो में ना लूं बट उससे अगली वीडियो में जरूर लूंगा, बट डालो जरूर, क्योंकि हर सवाल का जवाब है हमारे पास, बट अगर आप पूछोगे ही नहीं आपके दिल की बात मुझे कैसे पता लगेगी। अब मैं थोड़ा शाहरुख खान में कहूंगा तुम्हारी दिल की बात तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, अरे ऐसे थोड़ा करूंगा मैं भाई, आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। वैशाली कल रात को आ रही है 9 PM पे AFCAT 2021 के प्रिपरेशन प्लान के साथ। आपको एक सवाल और बताता हूँ, आपके मन में काफी बार आता होगा कि यार जो निकाल लेते हैं यार बड़े ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, और वो ऐसे इंसान होते हैं कि एक बार बैठ गए तो पढ़ते रहेंगे। वॉच दिस, एक बात, इन लोगों ने ऐसा लगता है जो एकदम एग्जाम में निकाल देते हैं ना फाड़ देते हैं, वो ऐसे होते हैं अभी किताब पढ़ने बैठते हैं फिर तो यार शाम को ही उठते हैं वो लोग, ठीक है। और दूसरा इनको एक मेथड ये रहता है कि हम लोग ऐसे होते हैं कि आज से तैयारी करी तो कल से, मतलब एकदम सीरियस, हमारे में ब्रेक थ्रू आता ही नहीं, टूटते ही नहीं है हम। व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? 5 टाइम्स रिकमेंडेड वैशाली डागर जब आएंगी तो मैं चाहता हूँ अपने सवाल आप पूछें। अब आप गलती क्या करते हैं, आप इसी वीडियो के नीचे पूछ लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना होता है, ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा राइट नाउ, राइट, ये थंबनेल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको दिया वैशाली इंटरव्यू करके, वहां जाओ और वहां जाके पूछो। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और कल रात आपको 9 बजे मिलेंगे, और 300 लाइक्स के साथ। 300 लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजन ये है ये एक वीडियो को पॉपुलैरिटी देता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे सबको सेंड करता है। सो आस्क योर क्वेश्चन, गेट 300 लाइक्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। मिलते हैं कल।